प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल नए तरीके से ब्लाउज की कटिंग करने जा रही हूँ। ये प्रिंस कट होगा और साथ में हाई नेक बनेगा और ये फ्रंट हुक भी होगा। तो चलिए मेज़रमेंट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस ब्लाउज की मेज़रमेंट की बात करते हैं। इसकी चेस्ट होगी 40, बस्ट होगा 41, कमर होगी 33, लेंथ हमें 15 रखना है, एपेक्स पॉइंट इसका 11 होगा, हैंड 3 होगी और फ्रंट नेक 8 होगा। चेस्ट जो है हमारा 40 होगा, उसे 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। उसमें हाफ इंच हम ऐड करेंगे क्योंकि ये ब्लाउज हाई नेक है, तो उसमें हाफ इंच लूजिंग रखते हैं, तो 10.5 होगा। कमर को 33 को 4 से डिवाइड करेंगे 8.25 होगा। लेंथ 15 में हम लेंथ 15 रखेंगे, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। फ्रंट नेक 8 होगा, 8 हमारी ज़्यादा डीप नहीं होगी क्योंकि ये हाई नेक ब्लाउज़ है, उसमें 8 नेक बिल्कुल परफेक्ट होता है। ओके, 7.75 रखेंगे और आर्म जो है 7.25 होगा, जिसमें 0.75 का हम डाउन देंगे। ओके, ब्लाउज जो है उसके हिसाब से एक चार्ट बनाए हुए हैं, कितना शोल्डर होगा, कितना आर्म होगा और कितना हमारा एपेक्स पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम अपर चेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये चार्ट बनाए हैं। अपर चेस्ट किसे कहते हैं, जैसे कि ये ब्लाउज है, ये जो आर्म के पास का जो मेजरमेंट होता है, यहाँ पर ये वाला आर्म के जस्ट पास में जो गोलाई को हम मेजर करते हैं उसे अपर चेस्ट कहते हैं, और नीचे जो उसका उभरा हुआ जो हमारा जो पार्ट होता है उसे फुल बस्ट कहते हैं। ओके, और एपेक्स पॉइंट किसे कहते हैं, ये जो हम यहाँ पर टैकिंग देते हैं, यहाँ पर जो भी टैकिंग देते हैं, या फिर जैसे कि प्रिंस कट ब्लाउज में हमारा ये इस तरह से आता है, ये जो मेन जो पॉइंट है, उभार वाला पॉइंट से लेके शोल्डर से लेके उभार वाले पॉइंट तक की मेजरमेंट को हम एपेक्स पॉइंट कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। तो मैं फटाफट मैं चार्ट पढ़ देती हूँ। अपर बस्ट अगर हमारा 28 होगा तो शोल्डर 6.25 होगा और आर्म हमारा 6 होगा। ये जो हाफ इंच लिखे हैं ये आर्म की तरफ हम डाउन देंगे। ओके, तो हाफ इंच की डाउन देंगे और अपेक्स पॉइंट हमारा 8 होगा, जिसमें हमें स्टिचिंग का ऐड करना है। स्टिचिंग आप जितना लेते हो, 0.25 लेते हो तो उतना ऐड करो, और अगर हाफ इंच लेते हो तो उतना ऐड करो। मैं 0.25 से एक सूत ज्यादा लेती हूं तो मैं उतना ही इसमें ऐड कर दूंगी। अपर चेस्ट 30 हो तो शोल्डर 6.5 होगा, आर्म हो 6.25 होगा और हम आर्म पे हाफ इंच का डाउन देंगे, और अपेक्स पॉइंट 8.5 होगा। चेस्ट हमारा 32 होगा तो शोल्डर 6.75 होगा, आर्म हमारा 6.5 होगा, हाफ इंच का डाउन देंगे आर्म पे और हमारा अपेक्स पॉइंट 9 होगा। अपर चेस्ट हमारा 34 होगा तो शोल्डर हमारा 7 होगा, आर्म 6.7 होगा, हाफ इंच का डाउन देंगे और अपेक्स पॉइंट 9.5 होगा। अपर चेस्ट हमारा 36 होगा तो शोल्डर 7.25 होगा, आर्म हमारा 7 होगा, जिसमें हम 0.75 का डाउन देंगे। 36 के बाद जो हमारा डाउन पोजीशन जो है थोड़ा 2 सूत बढ़ जाता है, हमारा अपेक्स पॉइंट 10 होगा। 38 होगा चेस्ट तो शोल्डर 7.5 होगा, आर्म 7 होगा और 0.75 का ही हम डाउन देंगे और अपेक्स पॉइंट 10.5 हो जाएगा। अपर चेस्ट अगर 40 होगा तो हमारा शोल्डर 7.75 होगा और आर्म जो है 7.25 होगा, और उसमें हम 0.75 का डाउन देंगे और अपेक्स जो है हमारा 11 हो जाएगा। चेस्ट अगर हमारा 42 से ज्यादा होगा तो शोल्डर हमारा 8 होगा, आर्म हमारा 7.25 होगा, डाउन हम 0.75 देंगे और अपेक्स पॉइंट जो है 11.25 होगा। ये हमारा लास्ट मेजरमेंट है, बस इतने से ज्यादा हम कहीं भी नहीं करेंगे, चाहे चेस्ट हमारा कितना भी हैवी हो। ओके, तो फिर हम आगे की कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ हमारी है 15, तो हम उसमें 1 इंच ऐड करके 16 पे मार्क करके लाइन को नीचे स्ट्रेट कर देंगे। हमारी नेक है, हम शोल्डर रखेंगे 7.75 पे, इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए 7.75 पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। आर्म हमारी होगी 7.25,
7.25 पे मार्क करेंगे। इस मार्क को जरा स्ट्रेट कर लेंगे और स्केल की सहायता से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब चेस्ट की मार्किंग हम निकाले थे 10.5, तो 10.5 पे मार्क कर देंगे। नीचे हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 33 है, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.25 आएगा। तो हम 8.25 में 1 इंच डार्ट का ऐड करेंगे तो 9.25 पे मार्क करेंगे और 1.5 सीम अलाउंस देंगे। ऊपर भी चेस्ट के पास भी हम 1.5 सीम अलाउंस देंगे और लाइन स्ट्रेट खींच देंगे। ये सिलाई की मार्किंग भी कर देंगे। अब हम बीच में डार्ट की मार्किंग करेंगे। अब हम स्टिचिंग की लाइन से लेके किनारे तक मिडिल में एक मार्क करेंगे, उस मार्क को मेज़र करेंगे। सेम मार्किंग ऊपर भी करेंगे और हमारी 4 इंच की डार्ट होगी तो उसमें 1/2 इंच हम ऐड करेंगे। 4.5 पे हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, डार्ट हमारी 1 इंच की होगी। 1/2 इंच हम दोनों तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से डार्ट की लाइन बना देंगे। इसके बाद हम आर्म की मेजरमेंट आर्म राउंड बनाएंगे। आर्म राउंड बनाने के लिए हम ऊपर की तरफ 1.25 पे मार्क करेंगे और साइड में 0.75 पे मार्क करेंगे और आर्म कर्व की सहायता से देखिए इस तरह से सभी पॉइंट को मिलाते हुए हम बैक आर्म बना देंगे। यहाँ मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। शोल्डर हमारा 3.5 होगा। 3.5 पे मार्क करके बैक शोल्डर को 1 इंच डाउन करूँगी क्योंकि ये हाई नेक होगा, यहाँ कॉलर लगेगा, इसे इस तरह से शेप दे देंगे और इस पार्ट को हम कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करते हैं। इस तरह पेपर में हम 2.5 इंच की लाइन खींच देंगे और फिर 2.5 इंच की लाइन के बाद में हम बैक पार्ट को इस तरह अच्छी तरह से बैठा देंगे और ये हम मार्क उठा लेंगे हर जगह की, शोल्डर के तरफ की, नेक की, आर्म की तरफ की, हर जगह की हम मार्क, लेंथ की, हर तरफ की मार्क हम उठा लेंगे। ओके, अब हम इसके बाद बैक पार्ट को हटा देंगे और मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चेस्ट पार्ट को मेज़र करेंगे, यहाँ शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा 7.75 था, वहाँ पे मार्क करेंगे। आर्म जो है हमारा 7.25 था, वहाँ पे मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा 10.5 था, वहाँ पे मार्क करके लाइन खींचेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से ये लाइन ड्रॉ होगी। 1.5 का हम साइड में सीम अलाउंस भी दे देंगे। ये आर्म के लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और हम 0.75 का डाउन देंगे शोल्डर पे। हम बैक साइड में ये डाउन देना भूल गए थे तो ये हम अभी दे देंगे। 0.75 का डाउन दे करके शोल्डर के पास इसे इस तरह से मिला देंगे। ओके, हम आर्म की कटिंग बाद में कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद बैक के आर्म की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरह फ्रंट के भी शोल्डर को इस तरह मिला देंगे। अब हम इस लाइन का हाफ करेंगे, हाफ पे मार्क करेंगे और मार्क से अंदर की तरफ 1/2 इंच पे पॉइंट देंगे और आर्म कर्व की सहायता से शोल्डर से लेके वो जो अंदर में जो 1/2 इंच का पॉइंट दिए वहाँ मिलाएंगे और इस तरह से आर्म कर्व को बैठाते हुए फ्रंट आर्म की मार्किंग कर देंगे। आर्म की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। देखिए एपेक्स पॉइंट हमारा 11 आएगा। चेस्ट जब 40 रहता है तो 11 आता है। हम स्टिचिंग का मार्क यहाँ लगाते हैं, स्टिचिंग का मार्क छोड़ करके हम 1/2 इंच में 1 पॉइंट कम स्टिचिंग लेते हैं करके हम 11 पे मार्क करेंगे। साइड की मार्किंग करने के लिए हमें फुल बस्ट का 10वां भाग निकालना होता है। फुल बस्ट 41 है तो उसका 10वां भाग 4.1 पे हम मार्क कर देंगे। ये हमारा एपेक्स पॉइंट हो गया। ये देखिए, अब हम नीचे भी 4.1 पे मार्क करेंगे और हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे ऊपर। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। कमर का नीचे हमारा चेस्ट जितना है, हमारी चेस्ट के पास 10.5 थी। ये देखिए, नीचे भी हम 10.5 पे मार्किंग करेंगे।
और यहाँ 1.5 का सीम अलाउंस देंगे और दोनों पॉइंट को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। सारी मार्किंग हम जो 2.5 इंच की दूरी पर जो लाइन किए थे उसके अंदर तरफ ही सारी होनी चाहिए। अब हम 2.5 इंच यहाँ पॉइंट देंगे और इसे हम डॉट दे के मिला देंगे इस तरह से। अब हम कमर का ज़रा हिसाब करेंगे कि कितने की डार्ट यहाँ पड़ेगी। उसके लिए हमारा फुल बस्ट 41 है और कमर हमारी 33 है, तो इसका डिफरेंसेस आ रहा है 41 और 33 को हम माइनस करेंगे तो आएगा 8, यानी हमारी दोनों तरफ की डार्ट मिला के 8 इंच होनी चाहिए। 8 का हाफ करेंगे 4, डार्ट हमारी दोनों तरफ पड़ती है तो 4 इंच की डार्ट दोनों तरफ पड़ेगी। ये देखिए 4 इंच की डार्ट जो है हमारी दोनों तरफ हो जाएगी। ओके, अब इस तरह हम हिसाब लगाते हैं। कमर हमारी है 8.25, उसमें हम एक वो 8.25 हमारी एक तरफ की मेजरमेंट है, उसमें हम 4 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 12.25। अब 12.25 को हम किस तरह मेज़र करते हैं ज़रा देखिए। ये दोनों तरफ की डार्ट है, 2 इंच एक तरफ डार्ट पड़ेगी तो 4 इंच की होगी एक साइड में डार्ट हमारी। ओके, ये 4 इंच की डार्ट हम लगाते हैं और यहां से हम 12 जहां आएगा वहां मार्क करेंगे। ये देखिए जहां स्टिचिंग का लाइन है वहां पे हम टेप को रखेंगे और सामने तरफ में फ्रंट में 12.25 जहां आएगा वहां मार्क करेंगे। ये 2.5 इंच जो हम एक्स्ट्रा लिए थे ये इसी वजह से लिए थे कि जो आगे जो डार्ट का बढ़ेगा वो देने के लिए। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक हमारी ये 8 पे मार्क करेंगे और नीचे हम 3.5 पे लाइन खींच के इसे स्ट्रेट बना देंगे और जो नेक की जो लाइन है वहाँ से नीचे जो हम 12.5 पे जो मार्क किए हैं वहाँ पे एक तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इसी वजह से हम साइड में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे। अब हम 2-2 इंच पे दोनों तरफ मार्क करेंगे और इस तरह स्केल की सहायता से उस मार्क, यह रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी मैं बताती हूँ, ये 2 इंच पे इस तरह स्ट्रेट लकीर खींचूँगी, इसे अपेक्स पॉइंट से मिला दूँगी और ये फ्रंट आर्म को मेज़र करूँगी जो 9 आ रहा है तो 4.5 पे मैं इस तरह मार्क करूँगी और इसे भी अपेक्स पॉइंट से यूँ मिला दूँगी। 0.25 की दोनों तरफ टैकिंग दूंगी और टैकिंग को 2.5 इंच पे इस तरह से मिला दूंगी। ये हमारी फ्रंट की ड्राइंग हो गई है। ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक की ड्राइंग करूंगी। नेक हमारी 8 इंच है। ये नेक की साइड की लाइन को मैं मेजर करूंगी, हाफ पे मार्क करूंगी, 1 इंच नीचे जाऊंगी और इस तरह से स्वीट हार्ट की शेप दे दूंगी। और मुझे ऊपर पार्ट में ना नेट लगाना है, जो सिर्फ नेट का कपड़ा रहेगा, तो मैं यहाँ से शोल्डर के पास से नेक के पास में मार्क कर रही हूँ कि ऊपर में मैं कट करके उतनी दूर तक नेट लगाऊंगी। ओके, इस तरह हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। बैक में भी हमें नेट लगानी है तो आर्म के पास से मैं स्ट्रेट एक लाइन खींचूंगी, उतने दूर तक इस ब्लाउज में नेट रहेगी, नेट लगाई जाएगी। ओके, इस तरह से ये ड्राइंग हो गई है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ अच्छी तरह से, सारे पार्ट को मैं कट कर लूँगी। तो फिर मैं सारी कटिंग को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैं फ्रंट पार्ट कटिंग कर ली हूँ। नेक की तरफ काटूंगी। अब इस तरह से ये साइड पीस को काटने से पहले जरा यहाँ कॉर्नर में ना मैं गोलाई बना दूंगी। ये नुकीला टाइप का निकला हुआ है तो इसे अच्छी तरह से गोल शेप दे दूंगी। हाँ, तो इससे बहुत सुंदर फिनिशिंग आती है। ये देखिए अच्छा से खूबसूरत सा गोल बना दी हूँ यहाँ पे राउंड।
इस पार्ट को भी कट करके निकाल दूंगी बीच का, ये टैकिंग का जो पार्ट है, डार्ट का जो पार्ट था, और मैं एपेक्स पॉइंट जो है वहाँ पे दोनों पार्ट में मार्क करूँगी। ये मार्क बहुत ज़रूरी है स्टिचिंग के समय, इसे अच्छी तरह बैठा के मिला के तब स्टिचिंग किया जाता है। मैं आर्म की मेज़रमेंट कर लूँगी ऊपर में सिलाई की मार्किंग छोड़ते हुए, ये आर्म को मेज़र करूँगी। ये आर्म की मेज़रमेंट आई है 8.5, तो मैं फ्रंट आर्म की मेज़र, ये फ्रंट पार्ट में ना हाफ इंच की टैकिंग जाएगी, तो यहाँ पर जो स्टिचिंग का मार्क है वो हाफ इंच बढ़ जाएगा, वो हम बढ़ाना भूल गए थे। तो ये हाफ इंच पे मार्किंग करके और हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और सीम अलाउंस में भी हाफ इंच आगे बढ़ जाएगा। ये हमारा दोनों पार्ट कट चुका है, हम एपेक्स पॉइंट को अच्छी तरह मिला के चेक कर लेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। अब मैं बैक पार्ट का आर्म की तरफ का भी पेपर जो है वो अच्छी तरह से कट कर दूंगी। ये देखिए, इसे भी मैं अच्छी तरह से कट कर चुकी हूँ। अब मेरा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पे सिलाई का मैं टक्स लगा दूंगी। ये तीनों पार्ट तैयार हो चुका है। अब मैं हैंड की कटिंग करूंगी। हैंड बिल्कुल छोटी सी है, 3 इंच। ये देखिए, ये हैंड की मार्किंग हम कर चुके हैं, इसके बारे में जरा डिटेल में बता देते हैं। ये 1.5 इंच पे हम इस तरह से स्केल से लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम हैंड की लेंथ की मार्किंग करेंगे। हैंड हमको रखनी है 3 इंच, तो ऊपर 1/2 इंच और नीचे 1/2 इंच सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो ये 3.5 पे हम ये मार्क करेंगे, ओके। 3.5 पे हम यहाँ भी मार्क करेंगे करके, सॉरी 4 पे मार्क करेंगे। 1/2 इंच 3 इंच की बाजू होगी, 1/2 इंच ऊपर सिलाई, 1/2 इंच नीचे सिलाई, यहाँ भी मार्क करके इस लाइन को सीधी कर लेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन में हम एक डॉटेड लाइन बना देंगे, यहाँ से हम आर्म की शेप दे देंगे इस तरह से करके। आर्म हमारी है 8.5, तो हम 8.25 पे मार्क करेंगे और इसका हाफ निकालेंगे। हाफ निकाल के पॉइंट देंगे ऊपर, हम हाफ इस पे पॉइंट देके इस तरह से आर्म हम ड्रॉ करेंगे। जस्ट हमें इधर के बारे में बताना, यहाँ देखिए मार्क करने के बाद सिर्फ 1/2 इंच सिलाई जो है बच रहा है, तो इतना बहुत ही कम होगा, 1/2 इंच पूरी सिलाई में चले जाएगा और यहाँ खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/2 इंच और नीचे जाएंगे और इस पॉइंट इस मार्क से लेकर के यहाँ तक पूरा मिला देंगे। तो ये हमारे जो यहाँ स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा, ओके। तो और ये जो है स्टिचिंग हमारी इस तरह से ऐसे सीधी ही जाएगी। तो हम यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के इस हैंड की कटिंग कंप्लीट कर देंगे, ओके। कुछ इस तरह से हैंड को काटेंगे, देखिए। इस तरह की छोटी सी बाजू जो रहती है उसमें ना हैंड का राउंड नहीं लेते हैं, जितना हमारे यहाँ स्टिचिंग का आएगा उसके बाद बस उसी को नीचे आगे की तरफ बढ़ा देते हैं हम, ओके। ये देखिए, ये हैंड की कटिंग हो चुकी है। हम यहाँ पे एक मार्क डाल देंगे, ये कटिंग मार्क होगा। यहाँ पे भी एक हम कट लगा देंगे पेपर में और हम ये फ्रंट बाजू की ये जो है कटिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी ये है फ्रंट, तो मैं यहाँ F लिख देती हूँ और ये हो गया बैक, तो ये मैं बैक लिख देती हूँ। इस तरह से हमारी ये जो है ये ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई।